फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड 2016 का पार्ट 2, जिसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो रहेंगे चेंजिंग केस और हाउ टू अप्लाई चेंज केस, और थर्ड रहेगा अलाइनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंजिंग केस। तो चेंजिंग केस क्या होता है? जब हम कोई भी वर्ड या टेक्स्ट लिखते हैं, मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा और वो कंप्लीट आपका लोअर केस में था, यानी जितने भी उसके अंदर लेटर्स थे वो सारे स्मॉल लेटर्स थे। अब आपको कोई बोल दे कि जो लेटर्स थे वो सारे कैपिटल में होने चाहिए, तो आप क्या करोगे? जितने भी लेटर्स हैं उन सबको जो आपने टेक्स्ट लिखा उसको डिलीट करोगे और फिर वापस से लिखोगे। तो उससे बचने के लिए एमएस वर्ड के अंदर चेंजिंग केस का ऑप्शन दिया जाता है। अब बात करते हैं चेंजिंग केस कितने टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि जो भी आपने सेंटेंस लिखा, यानी जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं एज इट इज, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, तो उस टाइप के केस को हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस केस। दूसरा आता है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है? जिसके अंदर जितने भी लेटर्स हों वो सारे लोअर केस में, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हों, तो उस टाइप के केस को हम बोलेंगे लोअर केस। थर्ड आता है अपर केस। अपर केस क्या होता है कि जो भी लेटर्स आप लिख रहे हो वो सारे कैपिटल में लिखे हुए हों, तो उनको हम बोलेंगे अपर केस। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये क्या करता है, जो आपने सेंटेंस लिखा या टेक्स्ट लिखा उसका ईच वर्ड यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या कर दे, कैपिटलाइज कर दे, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल कर देता है। कौन सा केस? कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। नेक्स्ट बात करते हैं टोगल केस की। टोगल केस क्या करता है, जो भी आपका केस उस पे अप्लाई किया हुआ है उसका जस्ट रिवर्स कर देता है, यानी उसका जस्ट उल्टा कर देता है। जैसे मानते हैं कि आपने कोई वर्ड लिखा R-A-M और उस पे आपने टॉगल केस अप्लाई किया, तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको? इसका रिवर्स यानी इसका उल्टा, सारे कैपिटल है तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? सारे स्मॉल लेटर्स। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी दो आपने स्मॉल लिखे, तो इसका जब आउटपुट देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल हो जाएगा और बाकी आगे वाले दोनों कैपिटल। इस टाइप से तो ये आपका टॉगल केस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करें किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। तो टू अप्लाई चेंज केस तो कैसे करते हैं, देखो स्टेप फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट टेक्स्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना हो उसके ऊपर माउस को क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद स्टेप टू क्या है, क्लिक ऑन होम टैब। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमें होम टैब के ऊपर क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगी, चेंज केस, यानी क्लिक ऑन चेंज केस, यानी चेंज केस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो आपको कहां मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। और वहां जब आप क्लिक करोगे तब आपको ये सारे केस वहां पे शो हो जाएंगे। तो जो भी केस आपको अप्लाई करना हो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे आपके टेक्स्ट के ऊपर वो केस अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट की पोजीशन सेट करना ही अलाइनमेंट होता है। मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिखा और वो हमें लेफ्ट राइट सेंटर में अगर कहीं पे भी हमें उसको सेट करना हो उसकी पोजीशन को, तो हम अलाइनमेंट का यूज करके कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट आपके कितने हो गए, 4 टाइप के। कौन से, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई, तो ये आपके 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की, कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है और सबस्क्रिप्ट
क्या होती है एमएस वर्ड के अंदर, तो सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर के अंदर ही वर्ड निकल के आ गया, अंदर है ऊपर, सुपर ऊपर, यानी अगर हमें टाइपिंग में कोई मैच की इक्वेशन टाइप करनी हो, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर में 2, तो अगर हमें कुछ इस टाइप से लिखना हो तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके लिख सकते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अगर हमें ऐसा कुछ लिखना हो तो हम किसका यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का। दूसरा आता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें उसको अगर किसी वर्ड के नीचे कुछ लिखना हो तो हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जैसे साइंस का कोई फॉर्मूला हमें लिखना हो। एग्जांपल में दिया हुआ है CO2, तो 2 का है नीचे, तो इस टाइप से अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। तो दो एग्जांपल दिए हुए CO2 और Na2, तो जो 2 है वो कहां है, उनके नीचे है, तो किसका यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट का। फिर देखते हैं क्रिएटिंग लिस्ट विद बुलेट्स एंड नंबर्स। तो अगर मान लीजिए हमें कोई लिस्ट बनानी हो तो लिस्ट हम दो तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किन्हीं स्टूडेंट्स के नेम लिखने हो तो क्या करोगे, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, इन दो तरीकों से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है, यानी इसमें हमें ऑर्डर का पता नहीं चल रहा है। दूसरी आपकी नंबर लिस्ट है, तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है, इसमें आपको एक ऑर्डर का भी पता चल रहा है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो बुलेटेड लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं और नंबर लिस्ट को हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट, तो बुलेट का मीन क्या है, जो आगे ये स्टार या डॉट जो भी शेप होती है इनको हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स। तो इस टाइप के अगर लिस्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बुलेटेड लिस्ट। और जिस लिस्ट के आगे क्या लगे हुए हो, नंबर्स लगे हुए हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नंबर लिस्ट। सो अब हम बात करते हैं अप्लाई बुलेट्स एंड नंबर्स। तो जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है, जो भी लिस्ट आपने बनाई, उस पे बुलेट्स या नंबर्स अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए कुछ स्टेप्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो इजी वे में हम बुलेट्स और नंबर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो उस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है जिस पे हमें बुलेट्स या नंबर्स अप्लाई करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, होम टैब पे क्लिक करना होगा। होम टैब पे क्लिक करने के बाद स्टेप 3, क्लिक ऑन बुलेट्स ऑप्शन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप। तो स्टेप 3 हमें क्या करना होगा, बुलेट्स ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, जो कहां मिलेगा आपको, पैराग्राफ ग्रुप में। तो क्लिक करने के बाद स्टेप 4 क्या है, चूज बुलेट्स। तो उसके बाद जो भी बुलेट्स आपको अच्छा लगे वहां से हम चूज कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर्स अप्लाई करना लिस्ट के ऊपर। तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, बस चेंज कहां करना है, तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी नंबर्स अप्लाई करने के लिए, स्टेप फर्स्ट रहेगी सिलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है जो भी आपकी लिस्ट हो। स्टेप 2 क्या हो जाएगी, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है। फिर स्टेप 3, क्लिक ऑन, इस बार क्या करना है, नंबरिंग ऑप्शन फ्रॉम पैराग्राफ ग्रुप। तो स्टेप 3 क्या होगा, इस बार हमें क्या करना होगा, नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कहां मिलेगा उसी पैराग्राफ ग्रुप में मिलेगा। तो क्लिक करने के बाद स्टेप 4, चूज नंबर्स। इस बार हमें क्या चूज करने हैं, नंबर्स चूज करने की, किस फॉर्मेट के नंबर्स आपको लिस्ट पे अप्लाई करने हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम इजीली लिस्ट या टेक्स्ट के ऊपर बुलेट्स और नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं।